हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पर। आज हम जा रहे हैं दोनों भाई एक्टिवा लेने। खुशी देखो बंदे की, एक्टिवा लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास हमारी फटफटिया है और इधर हेलमेट लिया है, और पापा नहा लेते हैं। तब तक हम जाते हैं, हम मिलते हैं आपको शोरूम में। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली एक्टिवा घर लेके आ गए हम लोग, और घर लाते ही ऐसे रास्तों पे लेके आए हैं क्योंकि इसको चलना इन्हीं रास्तों पे है। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो, कहीं पे भी जाना हो ना, तो इसके लिए रोड नहीं है, यही रोड है, इधर ही चलेगी ये। तो ये है एक्टिवा, और इसके पावर फिगर वगैरह मैं आपको यहीं पे मेंशन कर दूंगा कहीं पे वीडियो में। तो ये है एक्टिवा 6G, और ये इस तरह से कुछ लाइटिंग सेटअप है, छोटी मोटी एसेसरीज जो शोरूम वाले मानते नहीं वो लगा के ही देते हैं। ये कुछ गार्ड वार्ड, ये नाम की गार्ड है बेसिकली, इनका कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी वो लगा के देते हैं, मानते तो है नहीं कोई शोरूम वाले। और ये पड़ी है हमें ऑन रोड मनीष 89,000 की ऑन रोड पड़ी है, और इसका इंश्योरेंस उन्होंने हमें दिया है शोरूम वालों ने, ICICI से है इसका इंश्योरेंस। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी से इसका इंश्योरेंस नहीं है, प्राइवेट से उनका टाइप है तो उन्होंने प्राइवेट से ही दिया है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो आप, ये इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई डिजिटल कुछ भी नहीं है इसमें। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में शायद हो सकता है मे भी डिजिटल हो, उसका मुझे नहीं पता है। और इसमें दिया हुआ है साइलेंट स्टार्ट बटन, मतलब ये जो स्टार्ट होती है जैसे पुरानी एक्टिवा स्टार्ट हुआ करती थी उस तरीके से स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट हो जाती। पुरानी वाली एक्टिवा में जैसे सेल्फ की आवाज़ आती थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सस्पेंशन सेटअप इसका आगे की तरफ टेलीस्कोपिक दिया गया है, और दोनों ब्रेक एक साथ है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें। टायर साइज़ वगैरह की बात करी जाए तो गाड़ी में टायर साइज आपको ये दी हुई है 90-90 12 इंच का ये टायर है, 90-90 12 का ये टायर साइज आपको दिया हुआ है। दोनों सेम साइज़ के टायर आते हैं, और इसमें अलॉय व्हील का कोई ऑप्शन नहीं है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अलॉय व्हील, और आपको यहाँ LED लाइट मिल जाती है इसमें हेलोजन। और लाइटिंग सेटअप की बात करी जाए तो इसमें हेलोजन लाइट आती है, और ये जो नॉर्मली इंडिकेटर पहले भी आया करते थे एक्टिवा में उसी तरीके से है। गाड़ी ऑन कर दें, लाइट ऑन करिए, जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे लाइट ऑन हो जाती है इसकी, ये डायरेक्ट है, मतलब इसमें कोई बटन वटन नहीं है। हाई बीम लो बीम के लिए इसमें आपको सेपरेटली बटन दिया है कंपनी ने, यहाँ से आप हाई लो कर सकते हो। लाइट ऑफ करने का कहीं पे कोई बटन नहीं है इसमें। और ये इसका किल स्विच, और यही ये इसका सेल्फ है ब्रेक ला। ये गाड़ी स्टार्ट, यहीं से गाड़ी ऑन ऑफ करने का है। और यहाँ पे आपका सारा सेटअप दिया गया है, इसका बूट ओपनर, तो बूट ओपन करने के लिए और
फ्यूल कैप खोलने के लिए आपको सारा जुगाड़ यहीं पे दिया हुआ है। बेसिकली सिस्टम जुगाड़ नहीं है, सारा सिस्टम यहीं पे है। तो पहले की तरह आपको इधर की लगाने की ज़रूरत नहीं है या की निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। एक बार की लगाई, एक बार इग्निशन स्विच ऑन किया, इग्निशन ऑन नहीं होगा, और यहीं से आपको सीट नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो आपका सीट खुल जाएगा बूट, और इसी को एक बार आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो आपका बूट वो फ्यूल कैप ओपन हो जाएगी। थोड़ा हार्ड है ये, नहीं नहीं है तो ये खुल गया पीछे की तरफ, तो ये ऐसे खुल जाता है और यहीं से वापस लॉक हो जाएगा। एक बार मनीष वापस से खोलियो, बाय करके बता रहा है। ये तो फ्यूल कैप खुल गई, एक बार सीट ओपन करियो और नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो ये सीट खुल जाती है। तो यही कुछ बंद कर दे वापस, फ्यूल कैप भी बंद कर दियो, फ्यूल कैप भी बंद कर दे। तो यही थी एक्टिवा पे एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हम मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।